जोहार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न मैक्रो इन वर्ड। ओके, सो लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो। मैक्रो की परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है, मैक्रोज इन वर्ड कैन ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क सच एज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, क्रिएटिंग टेबल्स और इंसर्टिंग स्पेसिफिक टेक्स्ट, सेविंग यू टाइम एंड एफर्ट। ओके, मैक्रोज क्या करता है, जो आपके रेपिटेटिव टास्क होता है। ठीक है, मेरी वीडियोज़ को आपने देखा होगा, हमेशा हर वीडियोज़ में जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ उसमें मैं हैडिंग जोड़ डालता हूँ। ठीक है, हैडिंग मतलब ये टाइटल, जैसे इसमें लिखा हुआ ना मैक्रोज इन वर्ड। ठीक है, टाइटल टाइटल टाइप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो फॉर्मेटिंग है तो फॉर्मेटिंग मैं हमेशा करता हूँ, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ठीक है, साइज़ को मैक्सिमाइज़ करना। ठीक है, ये जो टास्क है ना, ये मैं हमेशा बार बार करता हूँ। ठीक है, तो मैक्रोज क्या करता है, जो टास्क होता है, जो रेपिटेटिव टास्क होता है, जो आप बार बार करते हो, उसको क्या करता है, ऑटोमेट कर देता है। ओके, उसको ऑटोमेटिक कर देता है। ठीक है, हम भी करेंगे, अभी मैं कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, जो शॉर्टकट की है, ठीक है, मैक्रोस डायलॉग बॉक्स, ठीक है, एक मैक्रो डायलॉग बॉक्स होता है, उसको ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस F8। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि मैक्रोस के बारे में तुमने जान लिया, लेकिन मैक्रोस हम क्रिएट कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, किस जगह पे करेंगे। ठीक है, तो मैक्रोस को क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए VBA। ठीक है, मैक्रोज इन वर्ड आर क्रिएटेड यूजिंग VBA। ठीक है, मैक्रोज को क्रिएट करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा VB। ठीक, VB क्या है, एक विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो इंटरेक्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में जितने भी आपने एप्लीकेशन देखे होंगे, ठीक है, चाहे वो वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे एक्सेस हो, ठीक है, जो VBA होता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, और जो VBA एडिटर है उसका शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट प्लस F11। तो फ्रेंड, नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग एंड राइटिंग। ठीक है, यू कैन क्रिएट मैक्रोज बाय रिकॉर्डिंग योर एक्शन इन वर्ड। ओके, और बाय राइटिंग द कोड मैनुअली इन द VBA एडिटर। यही लाइन क्या कहता है कि आप जो है मैक्रोज को, ठीक है, मैक्रोज को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये अभी टाइप किया हुआ। ठीक है, आप टाइप करते करते मैक्रोज को रिकॉर्ड कर सकते हो, या मैनुअली आप क्या कहते हैं मैक्रोज को क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग कोड। ओके, नाउ आफ्टर देन, जब आपका मैक्रो जो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको रन कैसे करना है, उसको रन करने के लिए आपको चाहिए होगा एक डेवलपर टैब, ठीक है, या फिर एक शॉर्टकट की, या फिर एक कोई बटन। ठीक है, ये जो रिबन होता है ना, इस पे, इस रिबन पे या तो आपको एक शॉर्टकट की चाहिए, या तो एक कमांड बटन चाहिए, या तो आपको यूज़ करना है एक डेवलपर टैब का। ठीक है, डेवलपर टैब कैसे ऐड करते हैं, लेट्स डू द प्रैक्टिकल। ठीक है, आपको करना है क्या है, फाइल पर जाना है, ऑप्शंस पर जाना है, कस्टमाइज रिबन पर जाना है। ठीक है, यहाँ जो है ना मेन टैब्स में आपको मिलेगा डेवलपर, यह डेवलपर। ठीक है, डेवलपर टैब मैंने इसको चेक कर रखा है, आपके में अनचेक होगा, आपको चेक कर देना। ओके, जैसे आप इसको चेक कर दोगे, ओके पे क्लिक करोगे, ये डेवलपर टैब आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको दिख रहा है डेवलपर टैब्स, डेवलपर टैब है, उसके अंदर ये क्या कहते हैं ग्रुप्स हैं उसके, कोड, एडिंग्स, कंट्रोल्स, मैपिंग, प्रोटेक्ट, टेम्पल्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो अब बारी है एग्जांपल की। ठीक है, मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करना है सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, जब आप डेवलपर टैब ओपन कर दोगे तो आपको ये सारे ग्रुप दिखेंगे, उसमें जो पहला ग्रुप है, ठीक है, आपको रिकॉर्ड लिखा ना, रिकॉर्ड मैक्रो, आपको इसको क्लिक करना है। ओके, रिकॉर्ड जैसे आप क्लिक करोगे, आपको ऐसा डेवलपर बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आप मैक्रो नेम, आपको अपना मैक्रो नेम देना है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर FIRST फर्स्ट MACR फर्स्ट मैक्रो, ये मैक्रो का नाम हो गया। वैसे असाइन मैक्रो टू बटन और कीबोर्ड, ठीक है, इन दोनों ऑप्शन को कोई कुछ भी नहीं करना है अभी। ठीक है, स्टोर मैक्रो इन, ठीक है, मैक्रो को कहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, VBA फॉर वर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे VBA फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन को ब्लैंक छोड़ देना है, ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप करोगे तो हम ये लिखा होगा यहाँ पे आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग और पॉज रिकॉर्डिंग लिख के आ जाएगा। ठीक है, आपका जो मैक्रो जो है रिकॉर्डिंग स्टोर चालू हो गया। ठीक है, तो आप टाइप करो माई FIRST फर्स्ट MAC मैक्रो एग्जाम्पल। ठीक है, ये तो टाइप कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई करूँगा। ओके, मैं बोल्ड कर दूँगा, इटैलिक कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ से साइज़ को इनक्रीज कर दूँगा। ओके, जो फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई कर दिया, अब आपको क्या करना है, डेवलपर टैब पर वापस जाना है। ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्ड को, जो रिकॉर्डिंग चल रहा था ना मैक्रो का, उसको स्टॉप कर देना है। उसके बाद क्लिक करना है मैक्रोस पे। ठीक है, जैसे आप क्लिक कर दोगे, एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। ओके,
उसके बाद आपको यहाँ पे देखा है रन, जैसे आप रन करोगे आपका जो है मैक्रो जो है रन हो जाएगा, ठीक है। देखो उससे पहले क्या करना है, उसके पहले आपको क्लिक करना है एडिट पे। एडिट पे क्लिक करोगे एक ऐसा विंडो खुल के आ जाएगा, ठीक है। यह है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का इंटरफेस, ठीक है। आपका मैक्रो कहाँ पे होगा, ठीक है, आपका मैक्रो होगा यहाँ पे। ये यह प्रोजेक्ट है आपका। एक तो होता है नॉर्मल, एक वो होता है जो भी डॉक्यूमेंट आपका होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरा हमारा मेरा डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, VBF फॉर डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आना है मॉड्यूल्स में, वो तो स्ट्रेच करते हैं। फिर आपको आना है मॉड्यूल पे, मॉड्यूल पे यह है न्यू मैक्रो, राइट क्लिक करना है, व्यू कोड पे आना, ठीक है। तो ये सारे कोड आ जाएंगे, जो भी सेटिंग्स मैंने यहाँ पे की हैं वो सारा सेटिंग जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि टेक्स्ट मैंने देखा है, बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, साइज किया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ लिखा है ना सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड, आपको क्या करना है यहाँ पे इतना ट्रू, इसको ट्रू कर दो और इसे भी ट्रू कर दो, TRU, ठीक है। सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर दो, नाउ प्रेस इंटर, ओके। मैक्रोज पे क्लिक करना है, जितने भी मैक्रोज हमने बना रखे होंगे वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। हमारे मैक्रो का क्या नाम है, फर्स्ट मैक्रो, इसको क्लिक करना है, यहाँ पे सेट हो जाएगा मैक्रो नेम, ठीक है। जैसे आप रन करोगे अपने आप फिर से लिख के आ जाएगा जो भी आपका टास्क है, जो टास्क आपने किया, ठीक है, वो फिर से ऑटोमेट हो गया, ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। नाउ क्लिक अगेन, ठीक है, सेलेक्ट योर मैक्रो अगेन और रन अगेन। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही आसानी से हमने अपना जो है पहला मैक्रो जो है क्रिएट कर लिया, ठीक है। जितने भी स्टेप्स मैंने फॉलो किए आप सारे स्टेप वैसे ही फॉलो करना, ठीक है। आप भी अपना मैक्रो जो है क्रिएट कर पाओगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। मेरे मैक्रो का नाम क्या है, ठीक है, जो जो नाम होता है आपके मैक्रो का वो सारे यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। जैसे इस मैक्रो का नाम है फर्स्ट मैक्रो, ठीक है। ये नाम आपको यहाँ पर मिलेगा, जब विजुअल बेसिक आप क्लिक करोगे ये जो कोड है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर होगा, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, दो जगह पे सेव होता है, एक तो नॉर्मल में, एक तो प्रोजेक्ट जो, ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेशन होता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, सॉरी, जो भी डॉक्यूमेंट का आपका नाम है, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट का नाम है VBF फॉर वर्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन का आपका, जो भी डॉक्यूमेंट का आपका नाम होगा ना, उस फोल्डर में आपको चेक करना है मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर आपको ऐसे मिलेगा न्यू मैक्रोज करके, ठीक है। जब व्यू कोड करोगे आप, व्यू कोड पर क्लिक करोगे तो ऐसा आपको कोड दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मैक्रो का नाम भी आएगा, जो आपने मैक्रो नाम दिया था ना वो यहाँ भी आ जाएगा, फर्स्ट मैक्रो करके लिखा हुआ है ना, ठीक है। अभी इतने स्कोर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको आप क्लोज कर दो, ठीक है। मैंने अपना फाइल जो है सेव कर रखा है पहले से ही, ठीक है, मैक्रो बना के, ठीक है। तो मैं आप क्या करूँगा, इसको सेव एज करूँगा, ठीक है। जब आपने पहली बार क्रिएट किया होगा तो आप सेव करना, सेव एज मत करना, ठीक है। लेकिन जब सेव और सेव एज करो तो पहली बार जो है सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स ही खुल के आता है, ओके। उसके बारे में मैं वीडियो जो है बना चुका हूँ पहले, आप मेरा जो MS Word का जो है नहीं प्ले लिस्ट है, या जो वीडियोज़ हैं आप उसमें देख लेना सेव एज, सेव एज में क्या होता है, ओके। तो मैं डॉक्यूमेंट सेव कर रखा हूँ उसको, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेव एज करूँगा, सेव एज करूँगा, डेस्कटॉप पर जाऊँगा, ओके। फाइल नेम मैं वही रखूँगा, ठीक है, बस मैंने लोकेशन चेंज कर दिया है, डेस्कटॉप कर दिया, ठीक है। सेव एज टाइप पे आना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, आपको सेव एज टाइप पे वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, आपको अपने फाइल को सेव करना है वर्ड मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट, ठीक है, इस पर वर्ड मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट सेव कर देना है, ओके। जैसे आप सेव कर दोगे आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ऐसे क्लोज कर देते हैं ये, ठीक है। एक ऐसा सिंबल बन गया आ जाएगा आई टाइप का, जो क्या हो ना सॉरी एक्सक्लेमेशन साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन है तो, ठीक है। यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करना, ओके, ऐसा कोई वार्निंग आएगा उसको इनेबल कर देना, ओके। ये एग्जांपल है, डेवलपर टैब में जाना, एंटर कर लो, ठीक है। मैक्रोज पे जाना, अपने मैक्रो को सेलेक्ट कर लेना, रन करना, फिर से आपका जो है मैक्रो जो आपने क्रिएट किया फिर से वो रन हो जाएगा और आपका टास्क जो है ऑटोमेट हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो आई होप सो फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को,
और मेरा जो एफर्ट है, ठीक है, जो मैंने एफर्ट लगाया है ना इतना सा समझाने के लिए, ओके, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।